Dear students, in this module, we are going to discuss the symbolic interactionist perspective and how it views the process of stratification. In our previous modules, we discussed two macro level perspectives which deals with the macro structures of stratification. Symbolic interactionist uh, they often view the micro level structures and they uh, perceive and they think that uh, individuals in their everyday life are creating these strategies of stratification based on the use of symbols and meanings. So, formally speaking, symbolic interactionism is a sociological perspective that emphasizes the ways. इन विच इंडिविजुअल इंटरेक्शन एंड रिलेशनशिप शेप द सोशल बिहेवियर एंड पैटर्नस ऑफ इनक्वालिटी सो जैसे कि फंक्शनिज़म और कॉन्फ्लिक्टस्पेक्टिव में हम देखा देखा कि माइक्रो लेवल स्ट्रक्चरस के ऊपर जो है किस तरह से स्टाटिफिकेशन प्रोसेस के ज़रिए इनईक्वालिटी प्रोड्यूस होती है तो जो सिम्बॉलिक इंट्रैक्शनस्ट हैं ये इसको माइक्रो लेवल के ऊपर देखते हैं और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि जो हमारे इंडिविजुअल बिहेवियर्स होते हैं इंटरक्शनल प्रोसेस होते हैं और ह्यूमन रिलेशनशिप्स जो हैं इनकी बुनियाद के अंदर किस तरह से स्ट्रेटिफिकेशन एम्बेडिट होती है तो अकॉर्डिंग टू सिम्बॉलिक इंटरक्शन इस थीरी सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द मीनिंग्स एंड सिम्बल्स अटैच टू डिफरेंट सोशल पोजिशन एंड द वेज इन विच इंडिविजुअल्स इंटरक्ट विद वन एन अदर इन डिफरेंट सोशल कॉन्टेक्स तो इसमें वट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट एंड वट इज़ द फोकस ऑफेंटेंशन इज़ द मीनिंग एंड सिम्बल्स अटैच टू सर्टन सोशल पोजिशनस कोई भी पोजिशन जो है सोसाइटी के अंदर वो सब्जेक्ट इंटरप्रटेशन होती है जैसे कि हम कहें आ, किसी भी एजुकेशन सिस्टम में उस्ताद का जो मैार जो मुकाम है वो बहुत बुलंद होता है नस्बता के उस अदारे के अंदर मौजूद बाकी एम्प्ल uh, का तो ये जो उस्ताद को दिया जाने वाला मुकाम है इसके सर्टन सिंबॉलिक वैल्यूज़ हैं जिसकी वजह से उसको वो स्टेटस मिला हुआ है और वो अपने उस स्टेटस को इस अंदाज से एक्सरसाइज करता है ताकि उसकी अथॉरिटी जो है वो स्टेटस के ज़रिए रिफ़्लेक्ट हो सके तो ये जो मीनिंग्स अटैच किए गए हैं उस्ताद के मुकाम के साथ ये उसको दर्जाबंदी की इस हरार्किकल uh, पोजिशन इस में हायर लेवल के मनसब के ऊपर फाइज करती है इसी तरह से बाकी जितने भी हरार्किकल पोजिशन हैं उन सब के अंदर इंटरक्शनस्ट ये कहते हैं कि उन सब के अंदर मीनिंग्स जो होते हैं या वो जो सिंबॉलिक वैल्यूज़ होती हैं उनके ज़रिए हम डिफ़ाइन करते हैं डिसाइड करते हैं कि कौन सी सोशल पोजीशन जो है वो किस दर्जे के ऊपर होगी सो दे आर्ग्यू दैट द सोशल क्लास इज़ नॉट अ फिक्स्ड और ऑब्जेक्टिव कैटेगरी बट रज़ कंस्ट्रक्ट एंड नीगोशिएटेड थ्रू इंडिविजअल इंटरेक्शनस एंड सोशल प्रोसेस सो इंटरेस्टिंगली इनके ख्याल में कोई भी सोशल पोजिशन है तो उसकी कोई एबसोल्यूट वैल्यू नहीं है बल्कि सोसाइटीज़ जो हैं उन सोशल पोजिशन के हवाले से जो मीनिंग हैं वो कंस्ट्रक्ट करती हैं अब ये जो सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियालिटी है या जो मीनिंग्स की कंस्ट्रक्शन है ये सब्जेक्ट टू चेंज भी होती है ज़माने के हालात वाक़ात के मुताबिक इन सोशल पोजीशंस के मीनिंग अगर बदल जाएं तो वो हरार्किकल पोजीशंस के अंदर जो है अपनी अहमियत भी जो है वो तब्दील कर देती हैं तो ओवरऑल अगर हम इस सिमोलिक इसमोलिक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से सोशल स्टैटिफिकेशन के प्रोसेस को देखें तो इनके मुताबिक जो स्ट्राटिफाइड पोजिशन हैं ये असल में कंस्ट्रक्ट पोजिशनस होती हैं इनकी कोई एबसोल्यूट वैल्यू नहीं होती पाकिस्तान में अगर हम देखें तो दे आर ऑफ द व्यू दैट स्टाटिफिकेसन आर ऑफ्टन एसोसिएटेड विद द वेज इन विच कल्चरल बिलीफ एंड प्रैक्टिस शेप द सोशल बिहेवियर एंड सोशल क्लास आइडेंटिटीज़ हम मुख्तलफ सोशल कास्ट सिस्टम्स को देख लें या हम क्लास सिस्टम को देख लें या हम एजुकेशन के ऊपर बेस्ड स्टाटिफिकेशन को देख लें लोगों के उसके हवाले से जो इंटरपटेशन होती हैं जो मीनिंग्स वो अटैच करते हैं ये उसकी उस पोजीशन को डिफ़ाइन करने में डेजिगनेट करने में जो है वो सोसाइटी के अंदर बड़ा अहम रोल प्ले करती है तो आपके लिए फूड फॉर थॉट ये है कि आप अपने इर्द गिर्द में जो भी सिस्टम्स हैं जैसे कि हमारा एजुकेशन सिस्टम है या जैसे हमारा पॉलिटिकल सिस्टम है या इकोनॉमिक सिस्टम है उसके अंदर देखें कि लोग किस तरह से किसी भी ख़ास पोजीशन को जो है इंटरप्रेट करते हैं उसके साथ मीनिंग अटैच करते हैं उसकी सिग्निफिकेंस जो है वो किस तरह से इस्टेब्लिश करते हैं तो एज अ सोशोलॉजिस्ट इट्स अ फूड फॉर थाट फॉर यू